हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस आज की इस वीडियो के अंदर हम चंद ही मिनटों में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करेंगे जिसको लेके ऑफ स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूजन होती है दिस इज कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स वर्सेस वर्स ऑफ कास्ट अब ये दोनों फ्रेजेज में क्या कोई डिफरेंस है या फिर ये सिमिलर है और अगर डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है एंड किस तरह से ये एक दूसरे के साथ एंगेज करते हैं बहुत ही क्विकली हम इन सब चीजों को फटाफट नजर डालेंगे ताकि आपकी कोई भी ऐसी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए नाउ इंपॉर्टेंटली कमिंग इन ऑफ द बिहार का सेंसेस कास्ट का रिलेशनशिप विद पॉलिटिक्स एंड किस तरह से ये एक्सेस देता है टू वेरियस गुड्स ऑफ डेवलपमेंट उसको चलते हुए ये कॉन्सेप्ट्स और भी ज्यादा जरूरी हो गए हैं ना इंपॉर्टेंटली ना ही ये जरूरी है फॉर स्टूडेंट्स ऑफ पी एस आई ऑप्शनल पर्टिकुलरली फॉर योर सेक्शन बी ऑफ पेपर वन विच डील्स विद इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स बट इन फैक्ट कुछ और ऑप्शनल जैसे कि सोशियोलॉजी में या फिर अगर आजकल हम जी एस टू की बात करते हैं या इवन जब हम सोशल इशूज की बात करते हैं ऐसे टेक्निकल कॉन्सेप्ट वहां के लिए भी जरूरी होते जा रहे हैं Now, before moving on मूविंग ऑन video, जस्ट टू लेट यू नो कि हमारे पी आई ऑप्शनल के लिए क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर मेंस ट्वेंटी ट्वेंटी फोर जो कि ऑफर करता है आपको ईयर लॉन्ग प्रेपरेशन इंक्लूडिंग सिलेबस रिविजन ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन क्वेश्चन आंसर फॉर टेस्ट सीरीज जिसमें हाफ लेंथ टेस्ट एंड फुल टेस्ट एंड करंट अफेयर्स के टेस्ट भी हैं साथ ही साथ में वीडियो सॉल्यूशंस इनके एज वेल एज मेंटरशिप ये सब ऑफर किया जा रहा है वॉट इज मोर यहां पे आपको ऑल्सो एक्सेस मिलेगा ऑफ करंट अफेयर्स ठीक है इसका एक्सेस भी जो है आपके पास अवेलेबल होगा राइट ये जो है हम आपको ऑफर कर रहे हैं राइट नाउ एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ सिक्सटीन थाउजेंड रुपीज़ राइट इस पे अभी अर्ली बर्थ डिस्काउंट चल रहा है तो आपको फोर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड के अंदर जो है ये प्राप्त होगा नाउ इसके अलावा अगर आप विदाउट ए का ऑफ़र चाहते हैं तो ये ऑलरेडी हमारा कंटिन्यू चल रहा है प्रोग्राम जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं

ठीक है तो कास्ता शब्द से ये जो कॉन्सेप्ट डिराइव किया गया जो शब्द डिराइव किया गया इंग्लिश के अंदर हैज बीन समथिंग जो कि हमने इंडियन सोसाइटी का सदियों से एक पार्ट होते हुए देखा है नाउ यूजुअली व्हेन वी लुक एट कास्ट वन थिंग दैट वी अंडरस्टैंड इज दैट इट इज एसोसिएटेड विद आवर एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी जिसका मतलब क्या है कि ये हेरिडिटरी है इन नेचर आप कुछ काम नहीं करते हैं आप कुछ अचीव नहीं करते हैं इसको पाने के लिए यो बॉर्न इन टू इट आप एक परिवार में पैदा होते हैं एंड उन्हीं की कास्ट आइडेंटिटी जो है आपके साथ आगे बढ़ जाती है साथ ही साथ में ये क्या है ये एक एंडोगैमस ग्रुप भी है मतलब यूजुअली जो कास्ट हैं वो आपस में इंटरमैरी नहीं करते एक कास्ट के लोग जो हैं विद इन द कास्ट ही जो है वो शादी करते हैं या ये प्रमोट किया जाता है इसी के साथ साथ देर इज ऑल्सो दिस फीलिंग ऑफ सम सॉर्ट ऑफ लॉयल्टी सम सॉर्ट ऑफ अटैचमेंट विच कम्स वाया द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कॉमन नेम और इवन अ कॉमन ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन एज इट वज सीन वन थिंग विच वज सीन ओवर टाइम जैसे कि हम बात करते हैं जब हम अपने वैदिक एज के अंदर मूवमेंट देखते हैं जब हम देखते हैं कि किस तरह से हम ओल्ड से एक न्यू एज की तरफ जो है बढ़े हिंदुज़्म के अंदर बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिली एंड वन थिंग दैट केम इन टू व्यू वॉज द एग्जिस्टेंस ऑफ रिजिडिटी इन दिस इंटायर सिस्टम वरना सिस्टम एंड साथ ही में कास्ट सिस्टम के अंदर जहाँ पे देर इज़ अ रिजिड रिलेटिव मोबिलिटी uh, को लेके देर इज अजिडिटी वो क्यों है मतलब आप जिस कास्ट में पैदा हो गए आपको उसी कास्ट का रोल उठाने पर जो है एक प्रेशर टल जाता था लीडिंग टू रिड्यूस्ड ऑपरचुनिटीज फॉर मोबिलिटी साथ ही साथ में दिस वॉज ऑब्वियसली अब अगर देर इज अ

एंड दैट इज़ वाई वी सी दैट अगर हम कास्ट ग्रुप्स का एक डायग्राम डायग्रामेटिक डिस्क्रिप्शन दिखाने की कोशिश करें तो एक पिरािडिकल फॉर्म में जो है आ जाएगा जहाँ पे जो अपर कास्ट है राइट right, उनके पास जो है टॉप नॉट अपरचुनिटीज पर अवेलेबल बट दीज आर ऑल्सो वेरी रिड्यूस्ड इन नंबर वेर इज द लार्जेस्ट न्यूमेरिकल ग्रुप्स वो प्रेजेंट ऑन द लोअर रंग ऑफ दरार की एंड वो फोर्स टू स्टे वे ड्यू टू दिस रिलेटिव रिजिडिटी इन मोबिलिटी जो कि परपेचुएट किया जाता था बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस रिचुअल्स बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडिंग दो ऑफ प्योरिटी एंड पल्यूशन एंड ऑल्सो आइडियाज लाइक जिनको आज जो है अनलॉफुल मान दिया गया है जिनको जो है आउट कर दिया गया है सच एज दो ऑफ अनटचेबिलिटी ठीक है तो यही आइडिया जो है कास्ट का हम सबको पता है इनट्रेंजिक है इंडिया के लिए वी वोट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन डिस्कसिंग दिस कॉन्सेप्ट अगर आप इसके ऊपर और डिस्कशन चाहते हैं राइट दिस इज ऑलरेडी बिन डन इन योर पी एस आई आर प्ले लिस्ट आप उसको जाके जो है देख सकते हैं लेट्स मूव ऑन टू द मेन कॉन्सेप्ट्स जिनको हम डिस्कस करना चाहते हैं पहले इज द आइडिया ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स अब ये कास्टाइजेशन रहे जिसको हमने कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी बोला है अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये क्या कहना चाहते हैं कि देखिए कास्ट आया एंड कास्ट ने जिस तरह से पॉलिटिक्स पर्टिकुलरली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जैसे कि ऑपरेट कर रहा था या करने को आया इन इंडिपेंडेंट इंडिया उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया ना वी से वन ऑफ द रीजन्स फॉर द सेम वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एज वेल एज डेमोक्रेटाइजेशन इन इंडिया ना यू विल सी द प्रीवियस डायग्रामेटिक डिस्क्रिप्शन जो कि मैंने कास्ट uh, जो हमारी एक जो कास्ट के फीचर्स है इंडिया की वो मैंने दिखाई थी एंड एक चीज हमने क्या देखा था द मार्जिनलाइज ग्रुप्स ऑफ कास्ट लाइंग एट द बॉटम ऑफ द हेरार की वोज हु आर इन न्यूमेरिकल मेजोरिटी विथ द कमिंग इन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एज वेल एज इंक्रीज डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया देर वॉज एन इंक्रीजिंग रियलाइजेशन एंड दिस इज समिंग दैट इवन प्रताप भानु मेहता जो है पॉइंट आउट करते हैं ये कहते हैं जब आप डेमोक्रेसी का ऑपरेशन देखते हैं इंडिया में एक चीज़ जो कि बहुत स्टाकली स्टैंड आउट करती है नहीं तो उनका एक आर्टिकल है कॉल बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी वो वो क्या कहते हैं वो कहते हैं हैं यहाँ पे? एक चीज जो कि बहुत स्टैंड आउट करती थी कि देखिए एक बहुत बड़ा गैप था बिटवीन रिप्रेजेंटेशन एंड रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिड ये इतना बड़ा गैप क्यों आया था बिकॉज अगर हम मेन uh, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे जो पोलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव थे ऑक्यूपाइंग इन द डिसन मेकिंग बॉडीज ऑफ इंडिया चाहे ये हमारा लेजिसलेचर हो जाए या फिर ये हमारा एग्जेक्यूटिव भी हो एटलीस्ट टिल द नाइनटीन सिक्सटीज ओवरवेलमिंगली ये अपर कास्ट को बिलोंग करते थे एंड right? ये सिनेरियो प्रायर टू इंडिपेंडेंस भी एग्जिस्ट करता था तो यही अपर ऑफ़ सोसाइटी जिन्होंने ड्यू टू ऑल्सो देर कास्ट स्टेटस जो कुछ अचीवमेंट्स जो कुछ यू नो अपॉर्चुनिटीज दे एंजॉय इन लाइफ बिकॉज ऑफ दैट दे हैड कम टू ऑल्सो डोमिनेट द पोलिटिकल स्पेयर इन इंडिपेंडेंट इंडिया ना बिकॉज ऑफ दिस गैप बिटवीन रिप्रेजेंटेशन एंड रिस्पॉन्सिवनेस राइट क्योंकि ये क्या था कि हमारे जैसे लोग ही वहाँ नहीं बैठे हैं तो उनको कैसे समझ में आएगा कि मासस क्या चाहते हैं और ये मासस न्यूमेरिकल मेजोरिटी किसको बिलोंग कर रही है मार्जिनलाइज कास्ट ग्रुप को बिलोंग कर रही है सो दैट इज वाईम सी है फर्स्ट चेंज जहां पर हम कहते कास्ट का इम्पैक्ट आया इन पॉलिटिक्स वॉज एन इंक्रीज डिमांड टू सी पीपल लाइक कास्ट प्रोफाइल ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है उनके अंदर हम एक मेजर चेंज देखते हैं विच इज समिंग अगेन डिस्कस्ड बायोगेंद्र यादव इन इज कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक अपसर्च जहां पे 1960s तक ये जो अपर कास्ट ग्रुप्स थे जो कि डोमिनेट कर रहे थे डिसीजन मेकिंग लेजिस्लेटिव बॉडीज इन इंडिया को वहां पे हमने चेंज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की प्रोफाइल्स देखे थ्रू टू फेजेस ऑफ डेमोक्रेटिक अपसर्ज़ द फर्स्ट फेज व्हिच कम्स ड्यूरिंग एंड इन ऑफ द ग्रीन रेवल्यूशन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्च एंड Ensuring a greater presence of the backward classes within the political representatives, the second democratic upsurge, took mm in -hmm. 1980s onward is through Dalit groups' ka ek jo rise hai and increasing participation, hai, leading to an increased presence of representatives in decision-making bodies from Dalit. ग्रुप्स तो इस तरीके से हमें क्या पता लगता है कि कास्ट ने बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को एंड वन ऑफ द वेज इन विच वी सी दिस हैपनिंग इज विद द चेंज्ड कास्ट प्रोफाइल्स इसी के साथ-साथ जैसे-जैसे कास्ट प्रोफाइल्स चेंज हो रही थी ऑब्वियसली जो डायनामिक्स ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है वो भी चेंज होने लगे और इंपैक्ट होने लगे कास्ट से स्ट एमेटिक एमर्जिंग इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकिट्स इन कॉन्स्टिट्यूएंसी तो कौन से कास्ट वहां पर कितने नंबर में है किस तरह के रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट किया जाएगा टू कॉन्टेस्ट फ्रॉम दोज वेरी कॉन्स्टिटुएंसी ना बिकॉज ऑफ दिस रीजन ऑब्वियसली देर वॉज ऑल्सो द राइज ऑफ स्पेसिफिक सपोर्ट बेसिस ऑफ कास्ट associated विद political पार्टीज ठीक है तो वोटर मोबिलाइजेशन के अंदर भी जो है ये एक चेंज हमें देखने को मिला जहाँ पे जैसे जैसे कास्ट का इम्पैक्ट इन पॉलिटिक्स बढ़ा वैसे वैसे जो वोटर्स की भी चूज करने की एक जो यादस्टिक थे मैट्रिक्स थे उनके अंदर भी हमने ये चेंजेस जो हैं उन्हें विटनेस किया ठीक है नो फॉर एग्जाम्पल नाउ बिकॉज ऑफ सेम रीजन राइट नाउ एज दे सॉ दिस गैप एंड नाउ बिकॉज दे वॉज इंक्रीज कॉन्शियसनेस एक कास्ट कॉन्शियसनेस जो है उनको रियलाइज हुई टू सी पीपल लाइक देम विद इन पॉलिटिक्स ऑल्सो राइट बिकॉज ऑफ दिस रीजन देर ऑल्सो चेंज इन द वोटिंग पैटर्न Wherein now, हम क्या witness कर रहे थे दोअर एंड मिडिलइकली टू कम आउट एंड वोट इन इंडिपेंडेंट इंडिया देन अपर कास्ट साथ ही साथ में वेन वी लुक एट द वोटिंग परसेंटेज ऑल्सो वी सी दट एस सी एंड एस टी ग्रुप्स के जो वोट हैं नाउ दे है

फॉर्म ऑफ मूवमेंट अवे फ्रॉम द पॉलिटिक्स ऑफ आइडियोलॉजी राइट जहां पर से जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो हमें कांग्रेस सिस्टम सिर्फ इन द डोमेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी ही नहीं बट कांग्रेस पार्टी की कुछ जो वैल्यूज थे राइट right? जिसको हम ऑफिन नेहरूवियन कंसेंसिस भी बुलाते हैं राइट right? सो so, एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का आइडिया एक पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का आइडिया राइट ये सारे जो एक पॉलिटिक्स ऑफ आइडियोलॉजी जो कि डिस्टिंक्ट बनाती थी सर्टेन पार्टीज को फ्रॉम अदर्स उसकी जगह देर वॉज अ मूवमेंट टू वर्ड्स वॉट वी टूडे कॉल इज पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एंड इसी के चलते हुए हमने कहा दट एज दीज प्रोफाइल्स एंड वोटिंग पैटर्न चेंज्ड दल्सो चेंज इन नॉट जस्ट द पोलिटिकल लीडरशिप बट ऑल्सो द पोलिटिकल डिस्कोर्स जो कि ऑपरेट कर रहा था इन द कंट्री

हेट अब आगे चलते हुए क्या हुआ उन्होंने बोला कि आप ये जो कास्ट मुक्त इंडिया के बात कर रहे हैं पहले आपने इन चीज़ों पे तो ध्यान देना है द पीपल आर एट द बॉटम ऑफ द रंग इन द इंडियन सोसाइटी यू हैव टू हैव सर्टन टेलर मेड मेजर्स अवेलेबल विच केटर टू देर नीड्स एंड डिमांड्स विच वॉज अटेम्प्टेड वाया अफर्मेटिव एक्शन एज वेल सो नाओ इंस्टेट ऑफ दीज लार्जर नॉर्मेटिव आइडियाज और कंसर्नस जो एकदम ग्रास रूट्स की इम्पेरिकल फैक्ट्स बेस्ड जो डिमांड्स एंड कंसर्नस थे वो लोगों तक पहुंचने लगे वो रिप्रजेंटेटिवस तक पहुंचने लगे राइट पहले आप उनको अपॉर्चुनिटीज तो दीजिए उनको एजुकेशन तो दीजिए उन्हें एम्प्लॉयमेंट तो दीजिए उनको अपॉर्चुनिटी के साथ साथ जो है ज़रूरी है कि आप ये भी इंश्योर करें उन्हें दो वक्त की रोटी हेल्थ जो है वो ढंग से मिल रही हो ताकि वो एटलीस्ट एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट पे तो आ सके टू बी एबल टू कम्पीट अदर्स तो एक तरह से इसे कास्ट का एक इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिक्स देखा गया या फिर कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं हाउएवर न्यूमरस स्कॉल ने इस आइडिया को डीकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की Now, one thing that we've seen in UPSC and the question is hai ki caste obviously started off as a social category, but independence India mein ye ek bahut critical political category bhi ban gaya hai, being one of the main ways of political mobilization and voting amongst the people of India, and not just that, but also determining the distribution of various. जो हमारे पब्लिक गुड्स हैं राइट ये जो डेवलपमेंट के जो गुड्स हैं ये जो पब्लिक गुड्स हैं उनकी एक्सेस कितनी हद तक किसको मिलती है दिस ऑल्सो हैज नाउ टूडे बीन कनेक्टेड टू वॉट आइडेंटिटी का आइडिया एंड देर इज इंक्रीजिंग रियलाइजेशन ऑफ द सेम लीडिंग कास्ट टू बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट political category also and that is why rajni kothari who's regarded as one of the four most social scientists when it comes to understanding indian politics and its interaction with indian society unhone that hum isko of politics or casteism in politics hai, ulta, this needs to be viewed as politicization of caste कि कास्ट सिर्फ ऐसे ही पॉलिटिक्स में ही घुस आई बल्कि इट इज कास्ट जो कि खुद एक पॉलिटिकल कैटेगरी में कन्वर्ट हो गई है राइट सो देन कास्ट इंपैक्टिंग पॉलिटिक्स इट इज इनफैक्ट द रिवर्स दैट पॉलिटिक्स हैज एंडेड अप इंपैक्टिंग कास्ट अलॉट जहां पे अब कास्ट नॉट कॉन्शियसनेस बट इट इज ऑल्सो लीडिंग टू स्पेसिफिक काइंड ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस एंड तभी मैं इसको बिहार के कास्ट सेंसिस सर्वे के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ आपको यही इसी चीज़ का इसी कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करने के लिए ना इमेजिन वही कीजिए हम बात जरूर करते हैं कि एक हेरॉकल फॉर्म के अंदर जो है कास्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है बट नाव वेन यू हैव नंबर्स नाव वेन यू हैव फैक्ट्स जो कि बैक कर रहे हैं

वो एक स्टेट में बल्क ऑफ एक्सेस टू पब्लिक गुड्स टू पोलिटिकल पोजीशंस एंड ऑपरचुनिटीज इंजॉय कर रहे हैं सो दिस डिज नॉट लीड टू एन इंक्रीज सोशल बट ऑल्सो पोलिटिकल कॉन्शियसनेस बिकॉज आखिरकार वेन वी अंडरस्टैंड कि अब जो है ये जो हम कास्ट का आइडिया सोचते हैं समझते इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं वी अंडरस्टैंड कि कास्ट जो है अब एक पावर ग्रुप फंक्शनिंग राइट एक पावर ग्रुप फंक्शनिंग के साथ भी जो है ये असोसिएट हो गया है एंड इसी कारण रजनी कोठारी ने व्हेन ही वाज टॉकिंग अबाउट द इंटरेक्शन बिटवीन कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया उन्होंने तीन चीजों पे, तीन एस्पेक्ट्स पे फोकस करने की कोशिश की द फर्स्ट थिंग दैट ही टॉक्स अबाउट इज सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट

सोसिएट करते थे राइट ना ओवर टाइम एज इंडिपेंडेंट इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इन टू बींगी सी न्यूमरस आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइन टू क्लैम्प डाउन ऑन दिस कास्टिज्म परवेडिंग द इंडियन सोसाइटी पर्टिक्युलरली सोशल इवल्स लाइक अनटचिलिटी ये रिचुअलाइजेशन एटलीस्ट ओवर टाइम एज फार एस ए जो हमारा फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनलिजम इज कंसर्न वहां से हटाने की कोशिश की गई अब ये कास्ट क्या हो गया है कास्ट जो है अब एक नई तरह की कैटेगरी में कन्वर्ट होता जा रहा है ड्यू टू सेक्यूलराइजेशन जहां पर अब कास्ट जो है डिटैच हो गया है इस रिचुअल स्टेटस से एंड उल्टा अभी क्या बन गया है जैसे मैंने कि पिछली बार बोला था एक पावर ग्रुप फंक्शनिंग बन गया है विच इज लिंक्ड टू द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ठीक है तो दो डायमेंशन इसके माने जा सकते हैं पहला है डी रिचुअलाइजेशन जहां पे कास्ट जो है जो ट्रेडिशनल स्टैटिफिकेटरी सिस्टम था रिचुअलिस्टिक आइडिया था कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको हटाने की कोशिश की है बट दूसरा क्या हुआ है देर इज पोलिटिसाइजेशन और पोलिटिसाइजेशन किससे जुड़ी है सबसे पहले तो ये जुड़ी है टू द फैक्ट दैट इट इज लिंक्ड टू अ न्यू स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रेजेंटेशनल पावर राइट रिप्रेजेंटेशनल पावर जो कि कास्ट एंड पॉलिटिक्स भी बात करता है रजनी कोठारी का क्या मतलब था ये कास्ट नहीं घुसा है ये इस इंक्रीज political consciousness ke karan which is leading to secularization of caste that this representational power has been possible because they now understand that for us to improve our status for us to get better access to public and developmental goods we have to increase our representation as well साथ ही साथ में जो क्यूमु इम्पैक्ट आया है इस सब का, विच इज मेड इट पॉसिबल फॉर इंडिविजुअल मेंबर्स, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट में, टू न्यू इकोनॉमिक इंडिविजुअलिटीज एंड बिल्ड इवन खुद की एक सोशल पोलिटिकल आइडेंटिफिकेशन तक राइट right? तो ये हम के भी करेंगे आपको आगे समझाऊंगी ठीक है तो अब ये सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट आता है नेक्स्ट ये क्या बोलते हैं एक इंटेग्रेशन की डायमेंशन भी आती है इंटेग्रेशन की डायमेंशन कैसे है अब हमने पहले ही पढ़ा था कि कास्ट ग्रुप्स जो है एसोसिएटेड थे कुछ एक कॉमन नेम से एक कॉमन हिस्ट्री से कॉमन ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन से रिलेटिवली एंडोगैमस ग्रुप्स भी थे तो यहाँ पे एक इंटेग्रेशन का एस्पेक्ट था विद इन कास्ट ग्रुपिंग्स देयर वर वेरी स्ट्रॉन्ग लॉयल्टीज अमंगज स्मॉल ग्रुप्स राइट सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर एबल टू कैप्चर तभी ऐसे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स एंड कास्ट बेस्ड नॉमिनेशन एंड स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ पॉसिबल हुई बिकॉज दे रियलाइज के अगर हम एक स्पेसिफिक कास्ट ग्रुप के इंसान को खड़ा करते हैं दीज पर्टिकुलरिस्टिक लॉयल्टीज विच एग्जिस्ट चांसेस दैट उनके कास्ट के लोग उन्हीं के लिए वोट करेंगे देन वेरी इंपॉर्टेंटली ऑब्वियसली जो कि एक मेन पार्ट था दाइटेड पोलिटिकल कॉन्शियसनेस ऑफ कास्ट जहां पर दे रियलाइज यही चीजें ये रिप्रेजेंटेशन की पावर एंड अगर हम सर्टेन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट को फुलफिल करना चाहते हैं तो हमें इस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बनना पड़ेगा एंड यही हाइटेंड पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस हमें देखने को मिलती है जहां पे नाउ जो मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन एंड कास्ट ग्रुप्स होते थे जो कास्ट एंड पॉलिटिक्स में भी हमने बात की है क्या कि अब वो पोलिटिसाइज हो गए बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने लग गए नाउ दीज वर अटैच टू सर्टन एक्सपेक्टेशन राइट दैट इफ आई एम कमिंग आउट टू वोट फॉर यू राइट आई एम डूइंग सो दैट इफ यू इफ यू प्रॉमिस मी सर्टन गुड्स इन रिटर्न देन वेरी इंपॉर्टेंटली एक और दूसरी चीज हुई जिसके कारण पोलिटिकल कॉन्शियसनेस बढ़ गई ना अमंगस्ट ग्रुप्स ऑल्सो ऑफेन डिपेंडिंग ऑन वेदर इंटरेस्ट ले कास्ट ग्रुप्स के कई मेंबर्स गॉट स्प्लिट अमंगस्ट वेरियस पोलिटिकल पार्टीज से अगर हम बात करते हैं इवन पीपल बिलोंगिंग टू से द लोअस्ट स्टेटा ऑफ कास्ट सिस्टम राइट दे मे गेट डिवाइडेड बिटवीन से बी एस पी वर्सेज से इवन अ कांग्रेस जिसके कारण क्या होता है पॉलिटिक्स एंड अपूइंग द होल्ड ऑफ कास्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट न्यूमेरिकली लार्ज कास्ट कास्ट ग्रुप्स जो हैं टू डे है अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंट पावर दैट दे इंजॉय इन इंश्योरिंग रिप्रेजेंटेशन इन डिसीजन मेकिंग एंड अगेन दिस कम्स फ्राम द फैक्ट दैट न्यूमेरिकली दे आर इन मेजोरिटी लीडिंग टू अ वीनिंग और अ रिड्यूस्ड प्रेजेंस ऑफ अपर कास्ट ग्रुप्स इन दीज लेजि बॉडीज विच वीड विटनेस्ड ड्यूरिंग द डेमोक्रेटिक अपसर्जिजीन सिक्सटी से कारण हम पोलिटिस कास्ट होती हुई देखते हैं राइट जहां पर नाउ विद इंक्रीज पोलिटिकल कॉन्शियसनेस वी सॉ द राइज ऑफ वॉट वी कॉल आर डोमिनेंट कास्ट ग्रुप्स राइट डोमिनेंट कास्ट ग्रुप से फॉर एग्जाम्पल वेन वी लुक एट द केस ऑफ जट और जाट्स इन पंजाब एंड हरियाणा अर्थ वाइल अगर हम स्ट्रिक्टरार्की ऑफ कास्ट सिस्टम जो डिजिटल कास्ट सिस्टम को देखते हैं द डिड नॉट बिलोंग टू द अपर कास्ट बट ओवर टाइम वॉट हैपेन्ड द ग्रीन रेवोल्यूशन रीप्ड

डोमिनेंट कास्ट ग्रुप का आइडिया ही एम एन श्रीनिवास ने जो है इस डोमिनेंट कास्ट ग्रुप के आइडिया के ऊपर बात की थी ना वेरी इंपॉर्टेंटली दिस इंक्रीज पोलिटिकल कॉन्शियसनेस हैज ऑल्सो ट्रांसफॉर्म्ड इन द वे दैट वी लुक एट कास्ट ग्रुप्स की इंटेग्रेशन जहां पे नाउ व्हाट वी आर लुकिंग एट इज ऑल्सो हॉरिजोटल इंटेग्रेशन ऑफ कास्ट ग्रुप्स जहां पे से वॉट वी कैन से वर्ल्ड यूनाइट

थ द इंक्रीज ऑपरचुनिटीज जो कि रेजर्वेशन के साथ एसोसिएट होने लग गई है देर इज अट कॉम्पिटिशन वेर इन इवन द ग्रुप्स जो कि अर्स्ट वायल रेजर्वेशन के साथ एसोसिएट नहीं किए जाते थे आर मेकिंग डिमांड्स फॉर द सेम तो चाहे हम जाट्स की बात कर ले चाहे हम मराठास की बात कर ले ये सब इसी पॉलिटिक्स ऑफ रेजर्वेशन के साथ जुड़ा है Then, very importantly, is the idea of sub-caste competition and jati competition, right? Which again is becoming very prevalent. Now, especially kiska outpouring is politics of reservation ka. Now, say when we say there is affirmative action available, say for SC community, for OBC community, right? Even the OBC community say after the Indira Sahani judgment we have the idea of the creamy layer but we often see it not really working and sometimes within these caste groups also there are often grievances of certain groups cornering majority of the benefits that these provisions were offering right so say for example in Bihar in OBCs ke andar, दिस इशू हैज़ बीन से रेज वेन इट कम्स टू कम्युनिटीज लाइक यादव राइट या फिर अगर हम बात करते हैं इवन विद इन दलित कम्युनिटीज़ ये कहा जाता है कि सर्टन सब कम्युनिटीज या जातिज ने मेजर बेनिफिट्स जो है कॉर्नर कर लिए हैं एंड वही सर्टन कैटेगरीज स्टिल रिमेन कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ दीज प्रिवलेज विच इज़ वाई लेके जो है कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई Rohini, right? इसी के साथ साथ विदिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट वी आल्सो सी इज द कमिंग अप ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स राइट ये टर्म जो है पॉल ब्रास ने बनाया था जिसके अंदर हम दो तरह की अलायसेस देखते हैं One is the coming up of the anti-hegemonic alliance. Jahan pe kya hota hai? that say uh, Dalit groups and say OBC groups, so the low as well as middle caste groups, say coming together to break the hegemony which is enjoyed by the upper castes. So say in certain areas, Congress tried to attempt this. Another thing which has been attempted is what we call as the sandwich alliance. Right, the sandwich alliance which is,

डल इन दी आदो है तो इनको हम क्या बुलाते हैं इनको हम सैंडविच अलायस जो है ये बुलाते हैं right? हमेशा ना अगेन वेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स वन केन नॉट यू दिस इनकम्प्लीट ब्लैक और वाइट वन हैजू अंडरस्टैंड कि ये हमें सोशल फैक्ट के बारे में बता रही है एंड अभी एक ही यू uh, नो you know, एक ही डेटा सेट आया है विच इज़ ओनली ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द बिहार कास्ट राइट जहाँ पे पॉपुलेशन हमें पता लग गई है दैट व्हेन वी लुक एट ओबीसीज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स दे आर अप्रॉक्सीमेटली कॉन्स्टिट्यूटिंग एट्टी फोर परसेंट ऑफ बिहार की पॉपुलेशन एंड वहीं अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं ये सिर्फ फिफ्टीन पॉइंट फाइव परसेंट है वॉट इज इवन मोर इन्होंने ऑल्सो ब्रेक डाउन प्रोवाइड किया है सब कास्ट ग्रुप्स का राइट सो विद इन दिस कास्ट जो सब कास्ट है उनकी क्या पॉपुलेशन है तो ये विद इन कास्ट एंड कम्युनिटीज जो से इन एग्जिस्ट कर रही हैं बिटवीन जाति ग्रुप्स उसको भी ये हाईलाइट कर पाएगी राइट विच कैन एंड अप Ensuring that the the government understands इंश्योरिंग गवर्नमेंट अंडरस्टैंड लैक ऑफ एक्सेसर्टेन ग्रुप टू वर्ड डेवलपमेंटल वही ऑन देंड दो स्टॉक रियालिटी कि किस तरह से बिहार में तो चार हिंदू अपर कास्ट मानी जाती है जो कि सबसे प्रिविलेज कम्युनिटीज हैं ऑफ बिहार ब्राह्मिंस भूमिहाज राजपूत एंड कायस टूगेदर दूट परसेंट ऑफ बिहार बट अगर हम मेजोरिटी कंट्रोल ऑन पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इन बिहार देखें यह दस परसेंट पॉपुलेशन जो है उस पर मेजर कंट्रोल इंजॉय करती है ठीक है सो ना विद दिस वी कैन ऑल्सो डिवाइज बेटर स्ट्रैटजीज

उसको अनफेस करेगी राइट right? सो so, हमारी इंटायर कॉन्वर्सेशन दैट देर आर चेंजेस दैट कास्ट सिस्टम जो है आज लेस रिजिड है दैट देर आर मोर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल दैट देर हैज बीन एन अपलिफ्टमेंट विद इन द मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन राइट उसका इंपेरिकल डेटा है इस तरह से कास्ट सर्वे विद इन बिहार जो है ये प्रस्तुत कर पाएगा वॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज ऑल्सो द कॉन्वर्सेशन विद रिस्पेक्ट टू द द ऑन जो कि इन ऑफ इंदिरा सहानी जजमेंट लगाई गई है पर्टिकुलरली इन वेक ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा विद रिस्पेक्ट टू वेरियस कास्ट ग्रुप्स जो कि सामने आया है राइट सो आई होप आपको इन दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में समझ में आ गया होगा And obviously, scholars like Rajni Kothari ka kya kehna hai that politicisation of caste is a more important concept. Even though caste in politics ek, ek give and take hai, interdependent hai. But inka kya manna hai that caste has only been able to come into the realm of electoral politics because it itself had become politicised as a category because of increased political consciousness in independent. इंडिया राइट दिस was ऑल for today. अगर इसके बारे में आपके कोई comments, कोई भी questions हो यू कैन पुट दिस आउट ऑन द of ऑफ video, राइट एंड में बस जाते हुए अगर इसी तरह से आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टीज आप फेस करते हैं तो आप हमारा फाउंडेशनल बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे हम एंड टू एंड सिलेबस कवरेज कराते हैं ऑफ द entire ऑप्शनल राइट जो कि आपको प्रिपेयर कर सकता है टू स्कोर ग्रेट मार्क्स टू सेवेंटी प्लस मार्क्स इन योर मेन्स राइट जिसमें ना ही सिर्फ लेक्चर्स बट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मेंटरशिप डाउट रेजोल्यूशन हर चीज अवेलेबल कराई गई है स्टार्टिंग एट ओनली रुपीज ट्वेल्व थाउजेंड तो आप दिए गए नंबर या ई मेल आई डी पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिस वॉज ऑल फ्रॉम अस्टुडे थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्लीपी